आज मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो इसमें आज का टॉपिक हमारा क्या क्या रहेगा? टॉपिक में होगा हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसके बारे में जानेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर से, और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। भाई पढ़ते तो सभी हैं मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसे पढ़ के भी क्या फ़ायदा जो एग्ज़ाम ख़त्म सब भूल गए। इसलिए आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ें, ठीक है, जो आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगी। चलिए तो ईज़िली लर्न करते हैं हमारे साथ। हाँ तो भाई फोकस कीजिए, बोल्ड और अंडरलाइन वर्ड्स जो भी आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। और एक बात है कि अगर आप लोग के पास एक कॉपी और कलम पेन रेडी करके रखिए, और जो भी इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर मैं साथ साथ बताते चला जाऊँगा, आप लोग अपना आंसर वीडियो को पॉज करके फिर मैच कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर किसी को भी काउंट करने बोले तो कहाँ से स्टार्ट करता है काउंटिंग? वन से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4। दिस इज 1 2 3 4 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स एंड विच आर आल्सो नेचुरल नंबर्स। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, अब नेचुरल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और यही इकलौता एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। तो जो प्राइम नंबर हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है उसको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये खुद से तो डिविजिबल होते ही हैं, जबकि प्राइम नंबर भी इन्हें डिवाइड कर सकता है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर की फैमिली में, तब वो होल नंबर की फैमिली बन जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 4 चलता है, ठीक है। तो अब एक बात का हम लोग यहाँ करते हैं, एक यहाँ 4 है, 4 इधर भी है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर 4 नेचुरल नंबर भी है और 4 होल नंबर भी है, जबकि जीरो जो है सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि होल नंबर जो है उसका सबसे छोटा मेंबर जो है वो जीरो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर आपको पता करना है, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर में आएंगे या होल नंबर में आएंगे या दोनों में आएंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज कीजिए, टेबल बनाइए, लिखिए, मैं इसका आंसर यहीं बताऊँगा, ठीक। तो आंसर आप देख रहे हैं, ओके आगे चलते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? तो भाई अभी हमने पढ़ा कि 1 2 3 4 जो था वो हमारा नेचुरल नंबर था, जीरो मिला लिए तो होल नंबर हो गया। अब यही पॉजिटिव वाले जो 1 2 3 4 है उसको हम लोगों ने निगेटिव साइड में भी लिख दिया है। अब ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा, ये निगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा, ये जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेट जो है ये फैमिली का, ये इंटीजर्स का सेट होता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सा नेचुरल नंबर में आएगा, कौन सा होल नंबर में आएगा और कौन सा इंटीजर्स में भी आएगा, या कौन से दो तीनों में आएंगे, ये आप लोग बनाइए, मैं आंसर देते जा रहा हूँ, आप मैच करते जाइएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जहाँ पर क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इस नंबर में, पी बाई क्यू में, क्यू डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर मतलब है यानी कि हम लोग पी को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं।
अब क्यू का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो पी को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम लोग ऐसा कोई भी नंबर नहीं है मैथमेटिक्स में जो 0 से डिविजिबल हो, और उस नंबर को हम लोग आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, इसीलिए क्यू का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर क्यू का वैल्यू 0 लेंगे तो डिवाइड में 0 हो जाएगा और वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के क्या क्या एग्जांपल होते हैं तो हमने बताया, जैसा कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जो होता है, पी बाई क्यू मतलब क्या फ्रैक्शन, तो कोई भी चीज नंबर जैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन हो, वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या -15 भी रैशनल नंबर है? हाँ जी, इसको भी लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में -15। क्या 0 भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया बिल्कुल। 5 को भी लिख सकते हैं, और कुछ डेसिमल्स होते हैं उनको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर के रूट होते हैं, जैसे कि √4, √16, तो ये रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। √4 का वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, तो 2 अगेन अ रैशनल नंबर, तो हम लोग बोल सकते हैं √4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर आपके लिए एक टेबल है, इस टेबल में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि 2 को हम लोग 2.0 लिख सकते हैं, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, ये मेरा 1.3333 एंड रिपीट कर रहा है, तो 1.3 के ऊपर बार लगा दिया गया है। 1.2757 ये तो पहले से ही डेसिमल में है, ये निगेटिव डेसिमल में है जिसमें 3434 रिपीट कर रहा है, तो 3-4 के ऊपर बार लगा दिया गया है। 1/3 की वैल्यू जो होती है 0.33333 होती है, तो 3 के ऊपर बार होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, चलिए ठीक है। 4/5, 4/5 मीन्स 0.8। अब इसमें आपको पता करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग है। मतलब क्या होता है इनका? मतलब होता है टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाता है, जिसका एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग कभी एंड नहीं होगा, चलता ही रहेगा। रिपीटिंग जो नंबर बार 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 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, तो भाई पहला नंबर को देखते हैं 2.0, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। 1.5 ये भी टर्मिनेटिंग है, रुक गई। 1.33333 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसमें 3-3 रिपीटिंग हो रहा है और ये 3 कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। 1.257 ये तो टर्मिनेट हो गया भाई, रुक गया। ये वाला क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये कभी जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, और सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और 3-4 इसमें रिपीट हो रहा है। इसके अलावा 1.3 यानी 0.333 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ये मेरा टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग इसको आप लोग बना दिए हैं, इसको देख लीजिए एक बार। अब ऑल टर्मिनेटिंग एज वेल एज ऑल टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स या ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कि रिपीटिंग हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर भी होते हैं, यानी ये जितने हमने पढ़ा इसमें वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आपको भरना है, मैं आपको खुद के लिए इसको छोड़ देता हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर मैं भी दूंगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आप मिलाइए, ओके, कितने के आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। हमने लर्न क्या किया? हमने लर्न किया नेचुरल नंबर, नेचुरल होल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर भी शामिल होता है। इसके अलावा इंटीजर्स, इंटीजर्स जो है उसके अंदर होल नंबर का फैमिली शामिल होता है। इसके अलावा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में सारे आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, और जो मैं बोला था परफेक्ट
स्क्वायर के रूट भी आ गए। ठीक है, चलिए इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो कि रैशनल नहीं है वो इरेशनल कहलाएगा। एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज इरेशनल। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग उसको पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। देन एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेकिन तो इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इरेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कभी नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी रिपीट भी नहीं करेंगे। ख़त्म तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन रिपीट भी नहीं करेंगे, उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये सारे वैल्यूज़ हैं 1.01001000001, ठीक है, इस तरह के नंबर जो हैं, जो कि, या फिर रूट वाले के जो वैल्यू है, रूट की वैल्यू जब हम लोग पॉइंट में निकालेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है और नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू रूट में क्या होगा, रूट में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, या ऐड और डिवाइड में कर लें रैशनल नंबर के साथ, तो वो इरेशनल ही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल नंबर है पाई। पाई की वैल्यू जो होती है डेसिमल में, बहुत लंबी चौड़ी इसकी वैल्यू आती है, इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीख लिया कि रैशनल नंबर के बारे में, साथ ही साथ इरेशनल नंबर के बारे में, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट सेपरेट ग्रुप में हैं। जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है वो होता है रियल नंबर का ग्रुप। ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, पहला हो गया रैशनल, दूसरा हो गया इरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है? अब हम जानते हैं भाई कि पाई जो होती है एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए एक रैशनल नंबर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ बराबर नहीं होता, इसीलिए पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो आपस में बराबर नहीं है, यानी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो फिर हम लोग यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू होती है डेसिमल में वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई को रिप्लेस करके 22/7 का यूज़ करते हैं। वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। ओके, चलिए तो अब आपके पास एक टेस्ट पेपर है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ पे इसको डाउनलोड कीजिए, उसका आपने क्या सीखा उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को फोटो खींच के भेजिए। चलिए ठीक है, अगला बार मैं फिर आपको लेके आता हूँ मैथ के कुछ नए टॉपिक्स। थैंक यू।